नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल लगातार दिल्ली में ये मांग करते रहे हैं कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मतलब है कि दिल्ली पुलिस उनके हाथों में हो जाए, जमीन का लेन देन उनके हाथों में हो जाए, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था उनके हाथों में हो जाए। यानी कि इसमें से जो तीन सब्जेक्ट केंद्र सरकार के पास है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट अरविंद केजरीवाल के लिए दिल्ली पुलिस है। क्योंकि अभी जो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, उसके बाद ये दिखाई पड़ने लगा है उनका इंटेंशन कि किस तरह से अरविंद केजरीवाल की चाहत दिल्ली पुलिस को अपने पास रखने की थी। दिल्ली पुलिस के उनके पास नहीं होने के कारण अरविंद केजरीवाल को अपने जो निरंकुश भावना है उसको बाहर निकालने में तकलीफ हो रही थी। उन्हें अपने विरोधियों को चुप कराने का अधिकार नहीं मिल रहा था, जो अब पंजाब के माध्यम से वो पूरा कर रहे हैं। एक दिन में ही पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के दो पूर्व सहयोगी और दो विरोधियों को चुप कराने की कोशिश की। एक ही दिन अरविंद केजरीवाल के पंजाब की पुलिस दिल्ली पहुंची और दिल्ली में सबसे पहले गाजियाबाद वसुंधरा पहुंचकर सुबह सुबह कुमार विश्वास के दरवाजे को खटखटाया। कुमार विश्वास के यहां पहुंचकर उनको समन सौंपा गया, क्योंकि उनके खिलाफ रोपड़ में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई और उस रिपोर्ट में यह कहा गया कि चुनाव से पहले उन्होंने अरविंद केजरीवाल के ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया। वो आरोप था कि अरविंद केजरीवाल का खालिस्तानियों के साथ संबंध है और पिछले विधानसभा चुनाव से पहले जब पंजाब का पिछला विधानसभा चुनाव हो रहा था तो उस समय कुमार विश्वास और अरविंद केजरीवाल एक साथ उठते बैठते थे, दोनों आम आदमी पार्टी में ही थे और अरविंद केजरीवाल के विश्वस्त और सहयोगियों में से एक कुमार विश्वास हुआ करते थे। पार्टी के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता भी माने जाते थे। उस समय दोनों क्लोज रूम बैठकें किया करते थे और उस दौरान जो अरविंद केजरीवाल ने कहा था उसी बात को कुमार विश्वास ने दोहराया और इससे पंजाब में हंगामा खड़ा हो गया। हालांकि उससे पंजाब के चुनाव में अरविंद केजरीवाल को कुछ फायदा ही मिला और अरविंद केजरीवाल की पार्टी वहां जीत गई, लेकिन अब केजरीवाल को ये लगने लगा है कि कुमार विश्वास कभी बाद में भी उनके खिलाफ ऐसी बातें कर सकते हैं। इसलिए कुमार विश्वास को ये बताना जरूरी है कि अब उनके हाथ में भी वास्तविक सत्ता है। यानी वास्तविक सत्ता का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में जो उनकी सरकार है उसके पास लिमिटेड पावर है, बहुत सीमित पावर है। यहाँ पर पुलिस की व्यवस्था उनके अंतर्गत नहीं आती है। दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, इसलिए दिल्ली पुलिस के साथ वो उस तरह से कॉपरेट नहीं कर सकते और न दिल्ली पुलिस उनके कहने पर कोई काम कर सकती है। लेकिन अब उनके पास वास्तविक सत्ता है, यानी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान जैसे व्यक्ति को CM बनाया है। भगवंत मान के CM बनने का मतलब है कि अरविंद केजरीवाल जो कहेंगे वही भगवंत मान को सुनना पड़ेगा। और इसलिए जब एक रिपोर्ट दर्ज हुआ तो उसको समन देने के लिए पंजाब की पुलिस गाजियाबाद पहुंच गई, कुमार विश्वास के दरवाजे पे पहुंच गई, जबकि वो समन सामान्य तरीके से डाक और कुरियर से भी भेजा जा सकता था। लेकिन उनका मकसद था कुमार विश्वास को धमकी देना, डराना कि अब तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है और इसके बाद जांच के लिए बार बार, पूछताछ के लिए बार बार तुम्हें पंजाब बुलाया जाएगा और पंजाब में जाना पड़ेगा। पंजाब पुलिस फिर कुमार विश्वास को टॉर्चर करेगी, ऐसा एक धमकी देने की कोशिश की गई। लेकिन सिर्फ कुमार विश्वास के लिए ही नहीं, बल्कि एक और आम आदमी पार्टी के उनके पूर्व सहयोगी के खिलाफ भी अरविंद केजरीवाल की पंजाब की पुलिस ने ऐसा ही किया। पंजाब पुलिस कुमार विश्वास के साथ साथ अलका लांबा के घर पर भी पहुंची।
अलका लांबा भी पहले कांग्रेस में थी, उसके बाद कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में गई थी और कुछ समय आम आदमी पार्टी में रहने के बाद उन्होंने फिर से पाला बदल लिया और अब कांग्रेस में चली गई है। पंजाब के चुनाव के समय उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ बोले थे और इसलिए उनको भी चुप कराने की कोशिश की गई ताकि जो भी पूर्व सहयोगी अरविंद केजरीवाल के हैं और आज आम आदमी पार्टी को छोड़ चुके हैं वो उनके खिलाफ ना बोलें। इसलिए अलका लांबा को भी एक समन दिया गया और उन्हें एसआईटी जांच के लिए पंजाब आने को बोला गया, यानी कि अब एसआईटी की टीम जांच करेगी और उसके लिए पूछताछ करेगी जिसमें अलका लांबा को बार बार बुलाया जाएगा पंजाब और वहां पर एसआईटी के सामने वो बयान दर्ज करेंगी, बताएंगी और उनसे पूछताछ करके एक तरह से टॉर्चर किया जाएगा। अलका लांबा और कुमार विश्वास का ये प्रकरण कम से कम इस ओर इशारा करता है कि अरविंद केजरीवाल चाहते क्या है। अरविंद केजरीवाल विरोधियों को चुप कराना चाहते हैं। एक तरफ तो वो बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि उनकी सरकार सामान्य लोगों की सरकार है, आम आदमी की सरकार है, आम लोगों की बात सुनते हैं, लेकिन अभी के समय में दो नेता की बात कर सकते हैं जिससे बड़ा निरंकुश कोई नहीं है, एक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और दूसरा पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी। इन दोनों का तरीका और रवैया एक ही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के सीएम बनने के बाद और आम आदमी पार्टी के दिल्ली चुनाव जीतने के बाद ही ये दिखा दिया था कि आम आदमी पार्टी में अगर उनके खिलाफ कोई भी आवाज उठेगी तो उसको वो चुप करा देंगे। उन्होंने प्रशांत भूषण को पार्टी से बाहर निकलवाया, उनको टॉर्चर किया गया पार्टी के अंदर, पार्टी के लोगों को बोला गया कि हर रोज प्रशांत किशोर के खिलाफ कुछ ना कुछ बोले। उन्होंने योगेंद्र यादव को पार्टी से निकलवाया, उन्होंने कुमार विश्वास के लिए ऐसी परिस्थितियां पैदा की जिसके कारण वो पार्टी छोड़ दें, उन्होंने आशुतोष के लिए भी ऐसी स्थितियां पैदा की जिससे वो पार्टी छोड़कर चले जाएं, यानी कि इन लोगों को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर करने के पीछे एक ही मकसद था कि उनके पैरलर कोई भी नेता आम आदमी पार्टी में ना हो और वो पार्टी पर पूरी तरह से कब्जा जमा के बैठे रहें, जबकि पार्टी के संविधान में लिखा हुआ था कि एक आदमी एक ही पद पर रहेगा और वही बात योगेंद्र यादव से लेकर प्रशांत भूषण तक ने उठाया था कि अगर आप सीएम बनते हैं तो आम आदमी पार्टी का संयोजक किसी और को बनाया जाए, लेकिन उन्होंने सबको बाहर कर दिया और अब धीरे धीरे जो बाहर गए लोग उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनका भी पंजाब पुलिस के माध्यम से उनको चुप कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी के राजनेताओं में एकमात्र ऐसे नेता हैं जिनके हाथों में दो दो स्टेट का कमान है, यानी कि अलग अलग पार्टियों के नेताओं के पास अलग अलग स्टेट हैं, बड़ी पार्टियों के कई स्टेट में सरकार हैं, लेकिन वो दो राज्यों के सीएम बनने के स्थिति में नहीं है। यहाँ तक कि राहुल गांधी भी उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते अपने पार्टी के जो जहाँ जहाँ उनकी सरकार है, न ही नरेंद्र मोदी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है उस समय से एक महीने के भीतर उन्होंने दो ऐसे बड़े इंडिकेशन दे दिए, पहली बार वहां के अधिकारियों को दिल्ली बुलाकर बैठक की और दूसरी बार वो पंजाब पुलिस का इस्तेमाल अपने ऊपर लगाए गए आरोप पर उनके खिलाफ उनको चुप कराने के लिए करके किया है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें, हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।